हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, अब ये मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, यहाँ पर 33वां क्वेश्चन है ये मॉडल पेपर का, और इसमें लिखा हुआ है एक आप सीएसवी फाइल बनाइए। सीएसवी फाइल का नाम क्या है, happiness.csv, ठीक है। और कह रहा है कंटेन्स द डाटा ऑफ अ सर्वे, ईच रिकॉर्ड ऑफ फाइल कंटेन्स द फॉलोइंग डेटा, यानी कि हर एक जो फील्ड नेम आएगा, देखिए पहला है नेम ऑफ कंट्री, फील्ड नेम आपको रखना है नेम ऑफ कंट्री, फिर क्या है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, दूसरा फील्ड होगा, ठीक है, और सैंपल साइज तीसरा फील्ड होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन हु एक्सेप्ट दैट दे वर हैप्पी, तो एक हैप्पी नाम से भी बनाना है, ठीक है। और एग्जांपल दिया गया है कि जैसे ये यहाँ पे सिग्नी लैंड करके दिया गया है, ये नेम ऑफ कंट्री हो गया, और फिर पॉपुलेशन इसकी आ गई, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सैंपल साइज दिया गया है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। और ये बना करके यहाँ पर रीड ऑल डेटा फ्रॉम द फाइल इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एंड डिस्प्ले ऑल दोज रिकॉर्ड्स इन विच द पॉपुलेशन इज मोर देन, मतलब ये आपको डिस्प्ले भी कराना है, ठीक है। यहां पर ये फाइल तो बनानी ही है, ये सीएसवी फाइल पहले आपको बनानी है, चार नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये चार नंबर का क्वेश्चन है, दो नंबर आपको इस पे मिलेगा, ये जो है ना ये पूरा क्वेश्चन आपने ये पूरा सीएसवी फाइल की कोडिंग आपने कर दी, दो नंबर इस पे मिल जाएगा और दो नंबर इस पे है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो सीएसवी फाइल बनेगी कैसे, तो सबसे आसान है सीएसवी फाइल बनाना, कई बार बता चुका हूं, आइए देखते हैं कैसे बनेगी ये सीएसवी फाइल। तो यहां से चलते हैं वीएस कोड पर और सीएसवी फाइल हम यहां पर बनाएंगे, तो ऑलरेडी मैंने कई सारी सीएसवी फाइल्स बनाना आपको सिखाया है, चलिए एक बार फिर से सीएसवी फाइल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आएंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल ले लेंगे, और ये विजुअल स्टूडियो कोड है, आप चाहे तो ट्रेडिशनल आईडीएलई पर भी कोडिंग कर सकते हैं। यहां पे लिखिएगा इंपोर्ट सीएसवी, ठीक है, आप कई बार इंपोर्ट पांडास लिखते हैं, लेकिन वो जब सीएसवी फाइल बन जाती है तो उस फाइल को फेच कराने के लिए इंपोर्ट पांडास लिखा जाता है, तो पांडास की लाइब्रेरी को पहले आपको डाउनलोड करना होता है। यहां पर हमको इंपोर्ट सीएसवी डायरेक्ट लिखना है क्योंकि हम सीएसवी फाइल बनाने जा रहे हैं, और यहां पर डेटा के अंदर इसको स्टोर कराएंगे, ठीक है, सीएसवी फाइल को डेटा के अंदर स्टोर कराएंगे। और यहां पर क्या करना है, यहां पर आप क्वेश्चन देखिए, वापस क्वेश्चन पे आइए और क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, पहले है नेम ऑफ कंट्री, ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या आएगा, तो वो हमें देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ कंट्री, तो अंडरस्कोर लगा के लिखते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कंट्री, ठीक है। अब नेम ऑफ कंट्री लिखेंगे तो इसका डेटा टाइप तो स्ट्रिंग ही होगा, तो इसको इसमें आपको डेटा टाइप भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा टाइटल डालिए, कॉमा लगाइए, ठीक है। दूसरा जो फील्ड है उसका क्या नाम है वो भी चेक कर लेते हैं, दूसरा फील्ड है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री की पॉपुलेशन, तो यहां पर दूसरे फील्ड का नाम भी पड़ेगा, तो यहां पर लिख दीजिए पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, तो ये हो गया पॉपुलेशन ऑफ अंडरस्कोर लगाइए ऑफ अंडरस्कोर कंट्री, COUNTRY, तो ये हो गया पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ठीक है। और पॉपुलेशन ऑफ कंट्री लिखने के बाद फिर कॉमा दे दीजिए, और कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप कॉमा दे देंगे तो नेक्स्ट आएगा, यानी कि यहां पर आप देखिए यहां पर नेक्स्ट है सैंपल साइज, तो आप सैंपल साइज भी दे दीजिए, यहां पर तीसरी फील्ड है सैंपल साइज, तो यहां पे दे देते हैं, कॉमा लगाई दिया, डबल कॉमा लगाएंगे, यहां लिखेंगे सैंपल अंडरस्कोर लगा दीजिए साइज, ठीक है। यानी दो नंबर का क्वेश्चन आप एकदम आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। अब ये सैंपल साइज हो गया, और भी कोई फील्ड है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं है कि नहीं है, एक है हैप्पी, ठीक है, तो एक फील्ड और दिया गया इसमें हैप्पी, तो कॉमा लगा दीजिए यहां पर इस तरीके से, और यहां पे लिख दीजिए हैप्पी, ये हो गया हैप्पी, और हैप्पी लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे कॉमा दे देना है, और कॉमा देके एंटर करके नीचे आना है, बस यहां से आपका काम शुरू होता है, ठीक है। यानी कि अब इसमें डेटास क्या क्या रखने हैं वो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ये देखिए ये इस तरीके का एक एग्जाम्पल है, तो एक दो दो जो है दो तीन रिकॉर्ड्स हम रखेंगे यहाँ पर, तो पॉपुलेशन आपको कुछ इस तरीके से रखनी है, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसी को उठाते हैं, यहां से क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं, तो इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके और कंट्रोल सी करके कॉपी ही कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये कॉपी टेक्स्ट किया हमने और इसको यहीं डाल देते हैं इसी के अंदर, ठीक है, यानी ये इस तरीके से बनाएंगे और इसी के अंदर डाल देंगे इसको ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब ये हमारे पास दो हो गया, ये देख सकते हैं, ठीक है। एक काम यहां पर और करिएगा, यहां पर जब ये सीएसवी फाइल बनाइएगा तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऊपर ओपन कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट ओपन करना
जरूरी है, ठीक है। ये इस तरीके से, और यहां पर इसको क्लोज करिएगा और देन यहां पर फिर कॉमा लगाइएगा। कॉमा लगा करके जो दूसरा फील्ड होगा वो भी आप डालेंगे यहां पर। तो यहां पर क्या करना है, इसी को मैं फिर से वापस कॉपी कर लेता हूं, ये हो गया कॉपी, और इसी को नीचे पेस्ट करूंगा। सिर्फ हम नाम और ये पॉपुलेशन वगैरह चेंज कर देंगे जो भी होगा, ठीक है। तो नेम ऑफ कंट्री में सिग्नीपुर कर देते हैं, सिग्नीपुर, ठीक है। अब ये कर दिया हमने, और यहां पर पॉपुलेशन चेंज करेंगे, तो यहां पर पॉपुलेशन यहां पे ये कर देते हैं, बाकी यहां पर जो और भी चीजें हैं उसको चेंज कर लेंगे। फिर यहां पर नेक्स्ट आएंगे तो यहां पर फिर नाम में बदलाव करेंगे, यहां पे अब इंडिया ही कर देते हैं, तो ये आई एन डी आई ए इंडिया कर दिया। और बाकी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है तो ये तो बहुत ज्यादा है यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की पॉपुलेशन मैंने डाल दी है इंडिया की, तो ये देख सकते हैं। और यहां पर इसको क्लोज कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये नंबर है, तो नंबर जो है डबल कॉमा या सिंगल कॉमा में नहीं रहता है। बस ये हो गया, अब क्या करना है, एंटर करके नीचे आइएगा, और जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर अब हम सीएसबी फाइल में राइट करवाने जा रहे हैं, तो मैं यहां पे राइट कमेंट कर देता हूं, राइट टू सीएसबी फाइल, सीएसबी फाइल, ठीक है। ये हो गया राइट टू सीएसबी फाइल, और ये करके अब आपको क्या करना है, एंटर कर देना है, और एंटर करके विथ ओपन लगाइएगा। ये विथ ओपन एक फंक्शन है, ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, और फिर फाइल का नेम हमें यहाँ पे देना है, ठीक है। तो जो भी फाइल का नेम होगा वो यहाँ पे दे दीजिएगा आप, ठीक है ना। तो इस फाइल का नेम हम क्या देना चाहते हैं, ये भी एक देखने वाली बात है कि हम इस फाइल का नेम आखिरकार क्या देना चाहते हैं, ठीक है। तो नेम हमें ऊपर ही दे देना होगा, जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके बाद आता हूं मैं विथ ओपन के ठीक नीचे, और यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल नेम, क्या लिखूंगा, फाइल अंडरस्कोर नेम, और फाइल नेम क्या दे दूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा सपोज कीजिए कंट्री सी ओ यू एन टी आर वाई डॉट, फाइल नेम किस नाम से था एक बार चेक करेंगे, इसमें जो नेम यहाँ पे दिया गया वही नेम देना है हमें, तो हैप्पीनेस डॉट सी एस बी। तो यहाँ पे फाइल नेम हम कर देते हैं हैप्पीनेस डॉट सी एस बी, तो हैप्पीनेस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करना है हैप्पीनेस एच ए डबल पी आई एन ई डबल एस हैप्पीनेस डॉट सी एस बी, ये कर देना इस तरीके से। और ये करके फिर यहाँ पर ये जब दे देंगे तब फिर यहाँ पर ही आएंगे, तो अब यहाँ पर फाइल नेम देना है हमें, चूंकि हैप्पीनेस डॉट फाइल नेम के अंदर ही सेव है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और इसके अंदर यहाँ पे डाल दूंगा, यानी कि यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हैप्पीनेस डॉट सी एस बी, ठीक है। फिर कॉमा यहाँ पे लगा देना है, और फिर यहाँ पे सिंगल कोट कॉमा में डब्ल्यू दे देना है, फिर कॉमा लगा देना है, ठीक है। और कॉमा लगा करके यहाँ पे लिखना है न्यू लाइन, न्यू लाइन, अब ये हो गया न्यू लाइन, और न्यू लाइन इज इक्वल टू लगा करके, और फिर जो है डबल डॉट कॉमा ओपन करेंगे, फिर डबल डॉट कॉमा क्लोज करेंगे, और क्लोज करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करके इसको एक नाम दे देते हैं एज फाइल, ठीक है। और ये दे करके एंटर करिएगा, और एंटर करके अब क्या करना है, अब यहाँ पर राइटर इज इक्वल टू यहाँ पे देंगे हम सी एस बी डॉट राइटर, ये दे दिया, और चूंकि इसको नाम दिया था फाइल तो यहाँ पे फाइल ही दे देंगे, तो ये हो गया फाइल। कहाँ नाम दिया था फाइल, ये देखिए ये यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है हमने, तो ये फाइल नाम हम यहाँ पे दे देंगे, और ये दे करके फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिर वही कि लिखेंगे राइटर डब्ल्यू आर आई टी आर राइटर डॉट राइट रोज लिखेंगे, राइट रोज, रोज लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा, राइट रो नहीं लिखना है, राइट रोज लिखना है, तो ये राइट रोज कर लिया हमने, और यहाँ पे डाटा के अंदर जो चीजें हैं उनको प्रिंट करवा देंगे, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपको ये बना लेना है, देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये रहेगा, और यहाँ पर एक फाइल ओपन रहेगी, दूसरी क्लोज होगी नीचे जाकर के, तो ये अब एकदम ठीक है। और यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेंगे हम, जिससे कि हमें ये पता चले कि ये फाइल हमारी बन गई है, तो लिख देता हूं मैं फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली एस यू डबल सी ई डबल एस एफ यू डबल एल वाई, तो ये बन जाएगा आपका सी एस बी फाइल, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना ब्रैकेट वो ऊपर ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये इसका ब्रैकेट है,
ठीक है, जो ऊपर ओपन हुआ था ऊपर ही क्लोज हो जाएगा, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। और फिर अब इसको रन कराने की बात है, तो यहां से रन कराते हैं, और रन कराते ही आप देखेंगे यहां पर इलीगल वैल्यू करके आ रहा है, देखते हैं कहां पे दिक्कत है इसको, ये देखिए, अच्छा न्यू लाइन में यहां पर देखिए, ये यहां पर देखिए, ये जो न्यू लाइन लिखा है ना यहां पर दिक्कत है, न्यू लाइन इज इक्वल टू हमने दिया है, और यहाँ पर डॉटेड कॉमा ओपन और क्लोज करना है, और फिर कंट्रोल एस करके फिर इसको रन कराना है यहाँ से, तो रन कराएंगे तो अब देखिए फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। और आने के बाद क्या करना है आपको, फाइल किस नाम से बनी होगी, happiness.csv, यानी दो नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ना सिर्फ कॉपी पे सॉल्व होगा बल्कि प्रैक्टिकली भी मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। 10 मिनट लगेंगे आपको ये करने में, मुश्किल से लिखने में तो 5 ही मिनट लगेगा, ठीक है। तो अभी ये फाइल किस नाम से बनी होगी, तो वही happiness.csv नाम से बनी होगी, ठीक है। अब इस फाइल पे मैं डबल क्लिक करता हूं, देखता हूं कहां पे बनी हो happiness.csv वाली फाइल, देखिए ये रही फाइल, इस पे डबल क्लिक करेंगे ना तो यही वैल्यूज आएंगी, देखिए जो वैल्यूज हमने दी थी ऊपर, देखिए नेम ऑफ कंट्री में जो कंट्री का नेम दिया था वो आ रहा है, नेम ऑफ पॉपुलेशन में पॉपुलेशन आ रही है कंट्री की, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और सैंपल साइज दिया गया था तो वो आ रहा है, और फिर हैप्पी नॉट हैप्पी, तो जो हैप्पी वाला में दिया गया था जैसा बोला गया था वैसा मैंने करके दिखा दिया। ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका, ठीक है।